हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की खीर। तो उसके लिए हमने 1 लीटर दूध को बॉईल कर लिया है और उसको हम फिर हल्का सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़े से हमने केसर के धागे ले लिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे इसमें। चलाते हुए इसको और फिर हम इसमें डाल देंगे, ये बॉइल्ड आलू है, ये करीब 4 से 5 है, हमने इसको मैश कर लिया है अच्छी तरह, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको मिला देंगे और मिला के हम इसको पका लेंगे। गैस हमारी मीडियम है और अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, ये 1 कप हमने ली है, चाय क्या 1 कप, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, थोड़ा सा और पकाएंगे हम इसको, करीब 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है। और अब हमारी खीर रेडी है, इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, काजू बादाम और थोड़े से पिस्ते हमने काट लिए थे, ये हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको हम पका लेंगे अच्छी तरह। जब ये हमारी खीर गाढ़ी हो जाएगी तो रेडी है हमारी आलू की खीर। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन दबाने पर आपको मेरी नोटिफिकेशन वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी, मैं शहर नाम से ही उस पर आईडी पर हूँ। Thanks for watching.